नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। सावन के पवित्र महीने की आज चौथी सोमवारी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैसे तो देश भर के धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं। गलियों मोहल्लों में बने मंदिर और शिवालयों में ही लोग भगवान भोले की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी अड़चन आए, वो भी देवालय और शिवालय के समीप गंदगी हो, तो लोगों को बुरा लगेगा ही। भक्त जाए तो कहां, ऐसा ही हाल है जमशेदपुर के सोनारी खुटाडी आरएमएस स्कूल के समीप बने शिवालय का। बाबा विघ्नेश्वर नाथ महादेव के आसपास गंदगी का अंबार फैला हुआ है। वैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां दूसरे मोहल्ले के लोग आकर घरों की गंदगी फेंक जाते हैं। यहां तक कि मरे हुए जानवरों को भी मंदिर के पास रखे गए डस्टबिन के बाहर ही फेंक जाते हैं। हम लोगों को है कि जस्ट हम तो बगल में ही हैं, ये देखिए मेरा घर है D51, और इसमें हम बाहर बैठे रहते हैं। ओल्ड मैन है, 84 ईयर्स एज है, समझे? प्रॉब्लम और उस तरह से जो है सब सारा प्रॉब्लम हम लोग हमारे सिर पर, बोलने से ये लोग मानता नहीं है और दिन भर कचरा फेंकता है, रात को फेंकता है और फेंक करके भर देता है। स्थिति आप देख लीजिए, डॉक्टर आता है, कुछ सर्टेन लोग हैं जो कम हैं तो वो यहाँ नहीं देते हैं, बाकी लोग देते हैं। मेन कचरा आता है देखिए आपको बस्ती से। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में स्थानीय निकाय को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदगी और बदबू से भक्ति तो दूर, घरों में रहना दूभर हो चला है। वहीं लोगों ने आशंका जताई है कि जल्द ही अगर गंदगी से निजात नहीं दिलाई गई, तो कोरोना के बीच दूसरी बीमारियां लोगों को घर कर लेगी। मंदिर शिव मंदिर है, यहाँ पर सावन का सोमवारी है, लोग पूजा करने आते हैं, और कुछ दिनों से हम लोग 2-3 महीना से यहाँ 3-4 जगह जो डस्टबिन था उसको तोड़ दिया गया है। एक सामुदायिक विकास है यहाँ पर बना है, उस भवन का भी डस्टबिन था, उसको सारा डस्टबिन एक जगह इकट्ठा चार के जगह पर एक रखा गया है, और इतना कचरा 4 दिन में कभी कभी 2-2 दिन उठाने वाला नहीं आता है। बुध और इतवार नहीं आता है और ये सब कचरा इतना ज्यादा गंध मारता है। मरा हुआ कुत्ता बिल्ली, अभी जो आपके सामने में बिल्ली फेंका हुआ है, इस तरह का है, महामारी फैलने का भी डर है। बरसात का समय है, हम लोग चाहते हैं कि ये तुरंत हट जाए यहाँ से, और या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जैसा पहले हुआ करता था। हाँ, लिखित आवेदन जेनेसी को दिया गया है, अभी तक कोई इसका सुधार नहीं हुआ, इस पर एक्शन नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ 40-50 परिवार रहता है, लेकिन 10-15 परिवार डायरेक्ट इफेक्टेड है। हम लोग को डर है कि महामारी के रूप में मत आ जाए, बरसात का समय है, फैल जाता है, चारों तरफ बिखरा रहता है, सब मरा हुआ चीज यहाँ पर लाकर फेंकता है। जितना जो खसी काटता है, जो कुत्ता काटता है, जो भी काट कुट कर सब लाकर यहीं पर फेंकता है। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।